और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर की बात होगी। एथलेटिक्स में यूएस का 40 साल से दबदबा कायम है। आपको बता दें 14 गोल्ड लेकर 26वीं बार टॉप पर रहा है। मेडल जीतने में अमेरिकी महिला और पुरुष की बराबरी है। आपको बता दें गैबी में 3 इवेंट में उतरी, तीनों में उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। हालांकि भारतीय अभियान खत्म हो चुका है, बिना सोने के ही लौटेंगे हमारे एथलीट्स, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। शूटिंग में 3 मेडल्स भारत को मिले हैं। मनु भाकर स्टार बनी, हॉकी टीम ने भी मान बढ़ाया। लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस का दबदबा 40 साल से कायम है और इस बार भी कायम रहा। कुल 14 गोल्ड जो कि यूएस की झोली में इस बार रहे, 26 बार टॉप पर रहा है। मेडल जीतने में अमेरिकी महिला और पुरुष दोनों की बराबरी। गैबी 3 इवेंट में उतरी और उन्होंने तीनों में गोल्ड हासिल किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेरिस ओलंपिक के समापन की। आपको बता दें कि मनु सुजेश ने थामा तिरंगा, 4 साल बाद 2028 में लॉस एंजल्स में अब होंगे ओलंपिक खेल। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ओलंपिक होते हैं, इससे पहले क्योंकि टोक्यो में हुआ था, इस बार पेरिस में हुआ, और अब देखें किस तरीके से लॉस एंजल्स में 2028 में ये ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। तो मनु और सुजेश ने तिरंगा थामा, ये पहले कहा गया था कि जब ओलंपिक का समापन होगा, जिस तरीके से मनु भाकर की तरफ से 2 कांस्य पदक जीते गए और आप जानते हैं कि हॉकी टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद समापन में इन दोनों ने हिंदुस्तान का तिरंगा थामा, वो शानदार तस्वीरें सामने आई जिससे हर किसी के दिल को मोह लिया। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निशा दहिया का गांव में जोरदार स्वागत किया गया है। उन्होंने ये कहा कि मेडल हाथ से निकला, हिम्मत नहीं आ रही हूँ, अगली बार स्वर्ण लाना है। निशा दहिया पेरिस ओलंपिक में 68 किलोग्राम कुश्ती के क्वार्टर फाइनल में चोट की वजह से चूक गई थी। वो मैच में एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही थी। निशा दहिया का रविवार को गाँव में जोरदार स्वागत किया गया। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि उन्होंने एक बार फिर से इसी बात का जिक्र किया है कि भले ही मैं इस बार स्वर्ण नहीं लेकर आ पाई हूं, लेकिन हिम्मत अभी नहीं हारी है और मेडल भले ही हाथ से निकल गया लेकिन हिम्मत नहीं निकली, ऐसी बात का वो जिक्र करती हुई नजर आई। जब गांव में पहुंची, वहां पर लोगों ने बेहद ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको बताएंगे। दिल्ली NCR में लॉन्चिंग में 77% हिस्सा लग्जरी फ्लैट्स का। अब लोग बड़े घर पसंद कर रहे हैं। 5 साल में फ्लैट की साइज दोगुनी तक बढ़ी है। दिल्ली NCR में औसत फ्लैट की साइज 2450 वर्ग फीट, हैदराबाद की बात करें तो औसत फ्लैट की साइज 2450 वर्ग फीट, मुंबई की बात करें तो सिर्फ 5% बड़े फ्लैट वहां पर है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली NCR से। और देखिए दैनिक भास्कर में भी बिजनेस के पेज में इसको जगह दी गई है। बड़ी हेडलाइन है कि अब लोग बड़े घर पसंद कर रहे हैं, 5 साल में फ्लैट साइज दोगुना तक बढ़ चुके हैं, लोगों की पसंद अब बदल रही है। देखिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनरॉक की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर फ्लैट के औसत साइज में 7% का इजाफा हुआ है। दिल्ली NCR में साल जनवरी जून के दौरान बिके फ्लैट का औसत साइज 2019 के मुकाबले दोगुना बढ़कर 2450 वर्ग फीट रहा है। 2019 में औसत साइज 1250 वर्ग फीट था, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि 7% में इजाफा हुआ है। मुंबई में 5 साल में सिर्फ 5% बढ़े हैं फ्लैट और औसत साइज सिर्फ 825 वर्ग फीट है। लेकिन दिल्ली NCR की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो फ्लैट का साइज है उसमें इजाफा हो रहा है। मणिपुर की अगर बात करें तो देखिए मणिपुर के कांगपोखरी जिले में बम ब्लास्ट की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि किस तरीके से वहाँ पर हड़कंप मच गया, पूर्व विधायक की पत्नी की मौत इस ब्लास्ट में हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि टैंक नौपाल में गोलीबारी से एक जो वहाँ पर गोलीबारी हुई उसमें एक उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स भी मारे गए हैं। मणिपुर के कांगपोखरी जिले में शनिवार यानी कि 10 अगस्त को बम ब्लास्ट में एक पूर्व विधायक की पत्नी की मौत हुई, जैसे कि जानकारी आपको भी मैंने दी। और पुलिस ने यह बताया कि घटना सैखुल के पूर्व विधायक यम थोंग हाकुकिप के घर के पास हुई है। हादसे में घायल पूर्व विधायक की पत्नी सापम चारूबाला की अस्पताल में मौत हो गई। बम किसने लगाया इस बात का पता नहीं चल पाया है, अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तो वहीं 9 अगस्त को टैंक नौपाल जिले के मोलनोम इलाके में फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई और पुलिस ने यह बताया कि फायरिंग गांव के वॉलंटियर्स और उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी कि UKLF के सदस्यों के बीच हुई थी। इसमें एक उग्रवादी और 3 वॉलंटियर्स मारे गए। घटना से गुस्साए लोगों ने UKLF के अध्यक्ष SS हाकुप के घर में आग लगा दी, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। और अभी तक देखिए इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बम ब्लास्ट की खबर सामने आई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की भी बात करते हैं। जयपुर की बात करते हैं जहां पर जगतपुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। मिनी बस
और कार की टक्कर हो गई है। कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। यहाँ पर जो हादसा हुआ है जयपुर में, ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ है और मिनी बस और कार की टक्कर हुई है, जिस वजह से हादसा हुआ। दुखद ये है कि इस हादसे में कॉलेज में पढ़ने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई है और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कार की तस्वीर को देखकर कि ये हादसा कितना भीषण रहा होगा। ये जयपुर के जगतपुरा में भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 छात्रों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। मिनी बस और कार के बीच ये टक्कर और जिस वजह से यह हादसा यहाँ पर हुआ है। तो देखिए दर्दनाक हादसा जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे बात अब झारखंड की करेंगे। सीएम सोरेन से मिले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी मुलाकात की है। झारखंड के वर्तमान विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दौरान कई विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो सीएम सोरेन से ये मुलाकात हुई है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और देखिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ये मुलाकात हुई और इस मौके पर मुख्यमंत्री और दोनों नेताओं के बीच राज्य में संचालित कई विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई और वर्तमान में राजनीतिक हालात क्या हैं, झारखंड में राजनीतिक परिस्थिति क्या है, उस पर भी बातचीत हुई है। देखिए सीएम सोरेन और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच बातचीत हुई। तीनों नेताओं के बीच राज्य की राजनीतिक स्थितियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। झारखंड में संचालित कई विकासात्मक मुद्दों पर भी बातचीत हुई, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नया विवाद अब सामने आ गया है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के समर्थकों में आपस में तल्खी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे आमने सामने हैं। कोल्हापुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो उद्धव ठाकरे के समर्थक थे उन्होंने पोस्टर्स फाड़ दिए। एमएनएस दफ्तर पर पोस्टर्स फाड़ दिए गए, होर्डिंग वहां पर लगे थे उनको तोड़ दिया गया। तो अब कैसे महाराष्ट्र में जो सियासत की लड़ाई है वो पोस्टर पर आ गई है, पोस्टर वार के जरिए देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की तस्वीरें जहां पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के जो समर्थक हैं उनमें आपस में तल्खी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे अब आमने सामने हैं। कोल्हापुर की तस्वीर जहां पर उद्धव समर्थकों ने पोस्टर्स को फाड़ दिया, जो होर्डिंग्स वहां पर लगे हुए थे उनमें तोड़फोड़ कर दी। एमएनएस दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स तोड़े गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। पहली तिमाही में 80 लाख ने विदेश यात्रा की है। दरअसल बीते साल से 17% या अधिक है। जुलाई में 1.30 करोड़ घरेलू हवाई सेवा यात्री रहे। पिछले साल से 9% ज्यादा ये है। विदेश यात्राएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा जुलाई में 91,932 उड़ानें प्रति उड़ान यात्री 143 सही। तो देखिए किस तरीके से विदेश यात्रा लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। और दैनिक भास्कर में भी इस खबर को जगह दी गई है, हेडलाइन दी गई है कि जुलाई में 1.31 करोड़ घरेलू हवाई यात्रा रही हैं। वहीं बीते साल की अगर बात करें तो 9% ज्यादा रही हैं। विदेश यात्राएं बढ़ी हैं, लोग अब क्योंकि विदेश जा रहे हैं। विस्तार से अगर इसमें बात करें तो देखिए इसमें बताया गया है कि देश में बीते महीने जुलाई में 1.31 करोड़ लोगों ने घरेलू यात्राएं यानी कि हवाई यात्रा की है और ये बीते साल जुलाई से 8.6% और कोविड पूर्व स्तर से 10% अधिक है। हालांकि इस साल जून में आए 1.32 करोड़ के ट्रैफिक से 0.5% कम है। एकरा की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती 4 महीनों में यानी कि अप्रैल से जुलाई में घरेलू हवाई यात्रियों का टैरिफ 5.3 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 5.2% से अधिक है। इसके अलावा देखिए जुलाई में 91,632 उड़ानें प्रति उड़ान यात्री 143 रहे, जैसे कि आंकड़ा हमने आपको पहले बताया। इसके अलावा कुछ ऐसी भी अपडेट है कि इंजन की खराबी बढ़ी है जो समस्या है, इसमें इजाफा हुआ है। इंडिगो के 70 प्लेन ग्राउंडेड रहे। तो कुल मिला के पूरा आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां हुआ था हमला कमला हैरिस वहां पर भी आगे हैं। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ट्रंप पीछे हैं। लोगों ने ये कहा है कि कमला हैरिस में राष्ट्रपति बनने की क्षमता है। जो बाइडन बोले, पेंसिल्वेनिया में हैरिस का प्रचार करूंगा, इसी बात का जिक्र है। देखिए अखबारों के अंदर भी कि जहां पर ट्रंप पर हमला हुआ वहां पर भी कमला ही आगे हैं।
और राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस तेजी से बढ़त बना रही हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पेंसिल्वेनिया राज्य में भी आगे निकल गई हैं, जहां उन पर एक रैली के दौरान हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी थी। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो सर्वे कराया गया है, उसी के अकॉर्डिंग कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 4 अंकों से आगे चल रही हैं। वहीं बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि वो पेंसिल्वेनिया में हैरिस के लिए प्रचार करेंगे। सर्वे में कहा गया है कि कमला हैरिस ने 2024 के राष्ट्रपति चुनावों को बदलकर रख दिया है, क्योंकि पिछले सर्वे में ट्रंप को हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन से इन 3 राज्यों में औसतन 1 या 2 अंकों से आगे पाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा है कि ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आज की ध्रुवीकृत राजनीति में मतदाता आखिर क्यों बदलते हैं। इससे पहले तक चुनावी दौड़ की मूल गतिशीलता राष्ट्रपति बाइडेन की अलोकप्रियता से प्रेरित थी। लाखों मतदाताओं को उन 2 उम्मीदवारों के बीच विकल्प चुनना पड़ रहा था जिन्हें वो नापसंद करते थे। सर्वे में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में 49% संभावित मतदाताओं ने हैरिस के प्रति समर्थन जताया। लोगों के अकॉर्डिंग हैरिस ईमानदार और उनका देश के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण है। वहीं अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर निजी तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अपशब्द भी कहे हैं, जिसका असर ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, और इसीलिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को पीछे छोड़ दिया है। पेंसिल्वेनिया के साथ साथ मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी हैरिस ने। चलिए बढ़ते खबरों में आगे बात करेंगे अब रामलला की। दिल खोलकर दान दे रहे रामलला के भक्त, ट्रस्ट को अब तक मिले हैं 55 अरब रुपए। विदेशों से भी चांदी सोना आया है रामनगरी अयोध्या में। जब से सुप्रीम कोर्ट के ने सुप्रीम फैसला दिया, तब से तेजी के साथ प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा था और मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ हिस्से अभी भी बन रहे हैं और मंदिर का प्रथम चरण बनकर तैयार हो गया है। बीते 22 जनवरी को प्रभु रामलला की विधि विधान के साथ वहां पर उनकी पूजा अर्चना की गई थी और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिदिन राम भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है। लाखों की संख्या में जो भक्त वहां पर पहुंचते हैं, दान भी दे रहे हैं, और इतना ही नहीं लाखों की संख्या में दर्शन पूजन भी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए मंदिर के भूमि पूजन के बाद से अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये रामलला के भक्तों ने दान दिया है। इतना ही नहीं रामलला के भक्तों ने चांदी और सोने का भी दान दिया है, जो बैंकों में सुरक्षित रखी गई है। आपको बताते चले कि देश विदेश से भी जो भगवान राम के भक्त हैं वो भी लगातार जो दान है वो दे रहे हैं, और भगवान राम की नगरी अयोध्या रम्य रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद से ही देश और दुनिया के राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं और रामलला के पास इतना दान आ चुका है कि मंदिर के निर्माण के साथ राम मंदिर की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से संचालित की जाती रहेंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कोलकाता से, जहां पर महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला। आज से हड़ताल पर रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स, दिल्ली के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिलेगी। सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। ओपीडी, सर्जरी, लैब सेवाएं सभी बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यहां पर जारी रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी है, जिस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है और उसके बाद से अब पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और दिल्ली में भी इसको लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली के अस्पतालों में भी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहने वाले हैं। महिला डॉक्टर से जो तस्वीर सामने आई हैवानियत की, उसके बाद आक्रोश फैलता हुआ देखने को मिल रहा है। बंगाल में भी तीसरे दिन अस्पताल की सेवाएं बुरे तरीके से प्रभावित रहीं और अब इसका असर दिल्ली तक पहुंच चुका है। आपको बता दें विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, वो भी संस्थानों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर हड़ताल की भी घोषणा कर दी गई है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। परेड रिहर्सल के चलते भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए आज 12 तारीख है और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पूरे देश भर में परेड रिहर्सल को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है और इसी के मद्देनजर दिल्ली की अगर बात करें तो भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध यानी कि रोक यहां पर लगाया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, क्योंकि आप देखते हैं किस तरीके से जो आतंकी होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरीके से जो देश की शांति उसमें खलल डाल सकें। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए इसी बात का जिक्र अखबार के अंदर भी किया गया है, मेट्रो की जो नजदीक है पतंगबाजी होती है उसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं, कर्मचारी यहां पर नजर रखने वाले हैं। इसके अलावा कल चूंकि फुल ड्रेस रिहर्सल भी होगी तो इसको देखते हुए भी जो रूट, कई सारे ऐसे रूट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया जाएगा और इस बात का भी जिक्र अखबारों के अंदर है। पूरी तरह से सुरक्षा तैयारी परख रही एजेंसियां, अगर कहीं भी खामियां मिल रही हैं तो उनको दुरुस्त भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। और पिछली बार जो तस्वीर सामने आई थी उसी को देखते हुए इस बार बंदरों को भगाने के लिए भी लंगूर लगाया गया। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी, ये बड़ी जानकारी। जल जीवन मिशन परियोजना की समीक्षा करेंगे, लखनऊ में बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, दो दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम योगी, सड़क परिवहन विभाग की बैठक में भी वो शामिल होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी परियोजना की समीक्षा करने वाले हैं। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम सीएम योगी का रहने वाला है। तो जल जीवन मिशन परियोजना की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आज लखनऊ में सीएम समीक्षा बैठक करेंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की जाएगी। बढ़ते आगे बात करते हैं फैक्ट फाइल की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज, 2000 से युवा दिवस की शुरुआत और युवाओं को जागरूक करना थीम। इस बार की अगर थीम की बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए युवा, शक्ति सशक्तिकरण, युवाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना, युवाओं से जुड़े मुद्दों को उजागर करना। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आज, तो युवाओं से जुड़े मुद्दों को उजागर करना इसका मकसद। और इस बार की अगर थीम की बात करें तो एक सतत भविष्य के लिए युवा।